हेलो गाइस, वेलकम टू। अरे रुकिए 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 बाबा रुकिए। सर्फ एक्सेल से धो लेना, सारे दाग खत्म हो जाएंगे। दाग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। बनाओ, बनाया जाए। धो पहले, सबसे पहले धोना पड़ेगा ना। देखते कितना गंदा खाती है। अरे निकल लोगी फिर फिर मेरा बाल खड़ा हो जाएगा। फिर कहाँ से लाएंगे दूसरी बीवी, बताओ। ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं छुएगी ना वायर, नहीं पक्का। वायर में जो करंट है ना, वो करंट तुम ही है पक्का। कुछ फर्क पड़ेगा तुमको? क्यों नहीं पड़ेगा। हाँ, हम छुएंगे तो फर्क पड़ेगा। ये धो लिए, काट भी लिए। ओए देखो मेरा हाथ काँप रहा है, देखो छुए से मेरा हाथ काँप रहा। कब सीखेगी यार ये। हमारे घर में ना बहुत कुछ गंदा है भाई, बहुत कुछ गंदा है, देख सकते हो। साफ सुथरा करते हैं। फिर अभी खाना बना के थोड़ा सा रेस्ट करने गए थे, सोए, फिर मेहमान आ जाता है, फिर रात का खाना बनाना पड़ता है। मतलब टाइम नहीं मिलता है इसको, खाना बनाना। साफ सुथरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि साफ सुथरा हो जाए हमारा किचन। और खाने पीने में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर भी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ, खैर इतने प्यार से बनाएगी तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन नमक तुम्हारा जो है ना, स्वाद अनुसार जो कहती हो कि तुम स्वाद अनुसार डालेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता तुमसे। पहले तुम खाओ। नहीं, पहले आप खा लिया। ये देखिए खा चुके हैं। ये है क्या, फूट है? ये फूट है, फूट मतलब समझ रही है लड़की धीरे धीरे। अपना मतलब वो कर लेता है मेरा मायके, तो समझ जाएगा। अच्छा ठीक, क्या क्या बना है पहले ये बताओ। इस रूम पे लाइट नहीं है ना, ये चावल है, ठीक है। सब्जी आज लग रहा है बहुत कम बना होगा, हमको पता है, क्योंकि आज मार्केट गए नहीं तो सब्जी खरीदने। खाड़ी सब्जी कुछ इस तरह दिखता है, शायद लाइटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन बाहर जाके मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो कुछ इस तरह इसने बनाई है। अच्छा लगने वाला है शायद, देखने में मज़ा आ रहा है, मसालेदार। और तीसरा क्या है इसमें, क्या है दाल, तो दिखने से ही समझ में आ रहा है। ये वाह, नीनो और चना दाल, क्या लग रहा है देखने के बाद। खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, हमको साफ कर देते हैं। पता नहीं तुम्हारे हाथ का स्वाद कब हमको लगेगा। बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों। गुस्सा गई का दिखाओ चारा। हाँ सरिया मतलब गुस्सा ही है। ये तुम्हारा खटिया ना? मेरा है। शादी से पहले मैं इसी खटिया में सो के जो है ऊपर में जिससे बात करता था। आज हमारे गांव में शादी है ना, दिखाओ छोटा सा शादी जो है। आवाज़ कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ आ रहा है। सामने एक ईंटा का भट्टा है, ईंटा जो बनता है ना घर, इसका भट्टा आप आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ थोड़ा छाव है ना। ये देखो गाइस, हमारे घर में एक छोटा सा सांप का पौधा है, देखो है ना। किसका पौधा? सांप का पौधा। सांप जैसा ही तो दिख रहा है, फिर सांप जैसा ही तो दिख रहा है। पानी डालती हो कि नहीं यार, देखो क्या करके रख दिया हो तुम्हें। जब से आई हो सूखा जा रहा है। मेरा फेवरेट जो है, दोनों पौधा मेरा फेवरेट था। हाँ, वो मेरा पुराना बैग था। इसको लेके जो है हम नागपुर गए थे पढ़ाई करने के लिए। फर्स्ट ईयर से लेके शायद थर्ड ईयर तक यूज़ किए थे इस बैग को। किसी को बना नहीं सकती तो किसी को बिगाड़ो मत, ठीक है। ये खराब दिख रहा है ना, खराब दिख रहा है। इसको तो तुम मार डालियो पहले ही। हम नहीं मारे हैं। ओ बच्चा लूज कर दिया। ये इडली वाला है जो कि हर दिन आता है ना। पता नहीं, हम बाहर निकलते ही नहीं तो क्या पता चलेगा। ये इडली वाला है, शायद 5 या 10 रुपए में देता है 2-4 इडली। आज मेरा बर्तन नहीं है। आज पहले ही साफ करके रखे है ना। लाओ हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। हम हेल्प कर देते हैं थोड़ा। वो फिल्टर में पानी भरते हैं। हाँ वो पानी वाला अभी तक आया नहीं ना। वो आज पानी नहीं आया। कपड़ा भी खींच लिया, बर्तन भी धो लिया है, पानी भी लेके रख दे रहे हैं ठंडा ठंडा। पापा आएंगे अभी देंगे, खाना देंगे सबको, फिर से बर्तन धोना पड़ेगा। एक बात तो है इसमें कि ठंडा पानी बहुत अच्छा निकलता है, इसमें नहाने में बहुत मजा आता। बहुत भारी है यार, पुराने जमाने का अभी भी यूज हो रहा है फिल्टर। दिखाओ एक बार फिर से क्या दिखा है? फिल्टर का नीचे वाला भाग है ना ये। अभी हम और माँ जा रहे हैं उस गाय को जो है पानी पिलाने। डरो लागो। अच्छा फिर पानी नहीं पी रहा है, पता नहीं गुस्सा में है कि क्या है। ना पियो माँ, गर्मी न लग जाए। शायद थोड़ा ठंडा लगेगा इसको। ये अलग है, इधर अलग है, देख सकते हैं। मेरा नसीब नहीं है कुछ नहीं। नसीब खराब है इसका। माँ का नसीब हमेशा से अच्छा रहा है। कतरा ले ली बाजी के। हेलो मम्मी कॉल की थी पापा को और बुला रहे थे। इतना धूप में कहाँ घूम रहे हैं। कितना बजा है? 12:07। रेडी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं आज मेरा दिन कैसा बीता। और मतलब पहले से अच्छा ही है आज का दिन। मैं खुश भी हूँ। अच्छा से खाना बना है, ठीक से अभी कोई खाया नहीं है बट अच्छा ही बना होगा। टाइम भी मेरा बच रहा है, पहले बचता नहीं था, पता नहीं क्यों लेट हो जाता था। अब बच के, अब टाइम बचा के अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे बहुत हेल्प करते हैं, मतलब मेरा हर काम में भी हेल्प कर देते हैं, वीडियो शूट करने में भी हेल्प कर देते हैं, वीडियो एडिट करने में भी बहुत हेल्प कर देते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग का प्यार भी चाहिए और आप लोग का बहुत सारा हेल्प चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।